जय हिंद साथियों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल फ्री नॉलेज नाइनटीन नाइनटी एट पर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी सूचना है कि दिल्ली पुलिस के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना दिल्ली पुलिस की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है तो दोस्तों आपका इसका आपको इसका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वेलाइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो को आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सही समय पर मिलती रहे चलिए दोस्तों आगे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा स्टॉप सिलेक्शन कमीशन का दोस्तों आपको पह नंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो दोस्तों पहले मैं आपको ये निर्देश पढ़ के सुना देता हूँ कि अभ्यर्थी के लिए विशेष निर्देश क्या दिए हुए हैं अभ्यर्थी का अपना ध्यान दें कि परीक्षा में बैठते समय उसके पास एक मूल फ़ोटो पहचान पत्र अवश्य हो जिसमें वही जन्मतिथि हो जैसे कि प्रवेश पत्र में मुद्रित हो दोस्तों जैसे कि आपने एस एस सी पुलिस का फॉर्म फिलप किया होगा तो आप उसमें आपने आपने जन्मतिथि डाली होगी तो वही जन्मतिथि आपके पहचान पत्र आधार कार्ड या किसी में होनी चाहिए तभी आप परीक्षा में बैठ सकते हो सेकंड नंबर ऑप्शन पे दिया है कि यदि मूल फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि नहीं दी गई हो तो अभ्यर्थी के पास अपने जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके पास आधार कार्ड पहचान पत्र आदि होना बहुत जरूरी है तभी आप परीक्षा के लिए वैलिड हो तीसरे नंबर पे ऑप्शन पे दिया दोस्तों यदि प्रवेश पत्र और जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए मूल फोटो पहचान पत्र प्रमाण पत्र उल्लेखित जन्मतिथि मैच नहीं कर नहीं खाती हो तो अभ्यर्थी को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा दोस्तों एस दिल्ली पुलिस या एस जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल चलते हैं इसके आपने जो फॉर्म फ्लिप में किया होगा उसमें जन्मतिथि वही आपके आईडी आए, में होना चाहिए तभी आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा दोस्तों तो नेक्स्ट आपको क्या करना है क्लिक हेयर पर क्लिक करना है तो आप कुछ इस प्रकार के इंटरफेस में आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे सभी के लिए वेब पोर्टल दिया हुआ है राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड के लिए डब्ल्यू इन महाराष्ट्र गुजरात के लिए डब्ल्यू तो दोस्तों आप सभी लोग यदि आपको यदि इससे डाउनलोड करना है तो दोस्तों आप ये अपने मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं वेब पोर्टल के लिए ये सर्च करके आप अपने स्टेट की स्टेट के उसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यदि दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मैं इसकी डि इसक, आप इसकी नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो आप यही पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाओगे नेक्स्ट क्या करना है दोस्तों आपको प्रोसीड नाव पर क्लिक करना है प्रोसीड नाव पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा तो पहले दोस्तों आपको ये वार्निंग सुना देता हूँ कि डियर कैंडिडेट प्लीज़ डू नॉट मल्टीप्ली डाउनलोड योर एडमिट कार्ड इन केस मल्टीप्ले डाउनलोड ऑफ डुप्लीकेट एडमिट कार्ड एस एस सी में ब्लॉक यू आर फ्रॉम डाउनलोड डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्यूचर दोस्तों ये बोल रहा है कि आप बार बार एडमिट कार्ड डाउनलोड ना करें यदि आप बार बार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सक कर रहे हो तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा फ्यूचर में तो दोस्तों आप बार बार डाउनलोड ना करें एक बार डाउनलोड करके उसका पी डी एफ डाउनलोड कर, कर लें तो आपको इसका डाउनलोड कैसे करना है दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आई डी डालना है फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है फिर आपको सिटी डालना है जो आपने एग्जाम सेंटर डाला हुआ था वो सिटी डालना है और वेरीफाई ह्यूमन सेवन प्लस फाइव करके इसको जोड़ के सर्च कर देना है यदि तो आप ये नहीं कर सक रहे हो दोस्तों जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे तो आपको इसका रोल नंबर डालना है डेट ऑफ बर्थ डालना है और सिटी डालना है एप्लीकेशन सिटी और वेरीफाई वुमेन सेवन प्लस फाइव जोड़ के सर्च कर देना है दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि अभी सभी के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं कुछ ही लोगों के हुए हैं दोस्तों आप अपना एडमिट कार्ड रोल नंबर ये सब सर्च करके आप पता कर सकते हो आपके हुए हैं कि नहीं तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो और एक सूचना और देता हूँ दोस्तों कोविड नाइन्टीन के चलते कुछ लोगों को याद बहुत से लोगों को याद नहीं है कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं दोस्तों सभी को हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली दोस्तों सब पहले मैं ये कहना चाहूँगा यदि आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले लेते हो दोस्तों तो आने वाली हैप्पी दिवाली कृपया आप वर्दी पहनकर सेलिब्रेट करें तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वे आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहे हैप्पी दिवाली दोस्तों नमस्कार